जैसा कि हम जानते हैं कि पीएससी की तैयारी, कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, वो पेशेंस बहुत मांगती है। तो उस पर मुझे एक बहुत ही महान कवि की एक लाइन याद आ रही है कि वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल ना हों, नाविक की धैर्य की परीक्षा क्या, यदि धाराएँ प्रतिकूल ना हों। तो उन प्रतिकूल धाराओं से डरिए मत, असली नाविक वही कहलाते हैं जो उन भयभीत नहीं होते और उन खतरनाक लहरों में भी अपनी नैया को टिकाए रखते हैं। नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हमारी न्यूज़ 18 लोकल की टीम पहुंच चुकी है सतना के पौराणिक टोला स्थान पे, और यहाँ पे हमारे साथ एक प्रतिभागी मौजूद हैं जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें चयनित हुए थे, अब वाणिज्य विभाग के अंदर इन्होंने नौकरी पाई है। काफ़ी परिवार हर्षोल्लास में, खुशी का माहौल है घर में। हम बात करेंगे सीधे उन्हीं चयनित हुए प्रतिभागी से कि कैसे उन्होंने इस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी की और क्या रहा माहौल घर का। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं हाटी गांव का निवासी हूं। मेरा चयन अभी हाल ही में हुई एमपीपीएससी 2022 के कराधान सहायक की परीक्षा में मेरा हुआ है। इसमें मेरी पूरे मध्य प्रदेश में 7th रैंक आई हुई है और मैंने पीएससी की तैयारी सन 2018 से चालू की थी और निरंतर मैं पीएससी की तैयारी में ही प्रयास कर रहा हूँ और ये 2022 की परीक्षा थी जिसमें मेरा चयन हुआ है। मेरे मुख्य रूप से मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता और मेरी बहन है और मुझे पीएससी की तैयारी के लिए सबसे प्रथम प्रेरित मेरे भैया श्री विकास सिंह ने किया है जो कि अभी पटवारी के पद पे चयनित हैं, और इस पे मुख्य तरह से योगदान मेरे चाचा जी श्री नरेंद्र सिंह, श्री पुष्पेंद्र सिंह और श्री बीरेंद्र सिंह का रहा है। अभी मेरा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है जिसके लिए मुझे 5 नवम्बर को इंदौर में उपस्थित होना है और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने खूब मेहनत किया है और हम जो उम्मीद कर रहे थे बच्चे से उससे ज़्यादा उसने हमको रिजल्ट ला के दिया है, ठीक है। और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि बच्चा जिस पद पे चयनित हुआ है ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ में और मोदी जी के सिद्धांतों पे काम करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, हमारे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं विशाल सिंह की माँ हूँ। जिस दिन से मेरे बेटे का चयन हुआ है मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो कितनी बीमारियाँ भी ठीक हो गई हैं खुशी के माहौल में। बहुत अच्छा मेरा बेटा है, बहुत संस्कारी है। मैं प्रोफेशन अभी टीचर हूँ। भैया हमेशा से ही मेरे आइडल रहे हैं और हर चीज़ में भैया का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है और मेरी लाइफ का पर्सनल डिसीज़न हो, कुछ भी हो, तो हम दोनों ही कभी एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं। मुझे उसकी लाइफ के बारे में सब पता है, उसे मेरी लाइफ के बारे में सब पता है। पढ़ाई को लेकर हो तो हमेशा से वो मुझसे बहुत अच्छा रहा है पढ़ाई में और अब तो उसका रिज़ल्ट भी रॉक कर दिया है, तो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहा है ये चीज़ भैया का सिलेक्शन होना। मेरी पढ़ाई में बूस्टअप आया है उसका रिज़ल्ट देख के। कि पीएससी की जो तैयारी है वो सिर्फ एक बच्चे की नहीं, पूरा परिवार उसके साथ तैयारी करता है, तो इस जर्नी में मेरे माता पिता एक स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं और मेरी साथ साथ मेरी बहन जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी का काम करती थी। और मैं कई समय पे डीमोटिवेट होता था, फ्रस्ट्रेट होता था, तो मेरी बहन और मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ थे। मेरे पिताजी कभी हिम्मत नहीं हारे। मैं लगातार 5 सालों से इंदौर में हूँ लेकिन उन्होंने कभी मुझे यहाँ नहीं बुलाया कि तुम आ जाओ। कितनी भी दिक्कतें आईं घर में, कितनी भी समस्याएं आईं, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा टिके रहे, नहीं बेटा तुम वहीं रहो, पढ़ाई करो। और अंततः उन्हीं के संकल्प, मेरे माता और पिता के संघर्षों का ही परिणाम है कि जो मैं इस सफलता के मुकाम पर हासिल कर पाया हूँ। और मैं आने वाले अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि समय जरूर लग सकता है लेकिन आपका नंबर जरूर आएगा, इसलिए अपनी बारी का इंतजार जरूर कीजिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। सर, मेरा ये 4th अटेम्प्ट, मैं 26 ईयर्स का हूँ और आगे मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करूँगा। पहले टीम के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट सतना।